ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री ने क्वाड पर किया बड़ा खुलासा। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री ने ही क्वाड का गठन किया। तो दोस्तों, जब जब दुनिया के कोने के अंदर क्वाड का जिक्र होता है तो चाइना जैसे देश की नींद उड़ जाती है। एक समय हुआ करता था चाइना को किसी का भी डर नहीं होता था। चाइना कहता था कि मैं एक एक देश को देख लूंगा, लेकिन जब से क्वाड बना है चाइना की चिंता बढ़ती पर बढ़ती जा रही है और बिना किसी डर दिखाए क्वाड कंट्रीज चीन को घेरती जा रही हैं, क्योंकि अब देश एक नहीं है, चार देश इकट्ठा हो गए हैं और चाइना की हिम्मत नहीं है कि इंडो पैसिफिक के अंदर कुछ अलग कर सके। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबोट भारत के अंदर आए हैं। आप कहोगे कि ये भारत के अंदर किस लिए आए हैं? दरअसल भारत के अंदर हो रहा है 8वां रायसीना का डायलॉग। दुनिया भर के कोने कोने से लीडर भारत के अंदर आए हैं और यहां पर अपना पक्ष रख रहे हैं, और उसी की कड़ी में फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया के पीएम को भी इनवाइट किया गया और वो भी यहां पर आए हैं। और एएनआई के दिए इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये बातें बोली हैं। उन्होंने कहा कि क्वाड का गठन जब से हुआ है चाइना स्ट्रेटेजिकली कमजोर हुआ है, और क्वाड के रूप में ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी डेवलपमेंट अगर कोई हुई है नाटो के बाद तो वो क्वाड की ही है, और क्वाड बेसिकली आज एक बड़ी स्ट्रेटेजिक तौर पर एक देश को घेर रहा है। उन्होंने यहां पर एक पीठ थपथपाते हुए दो देशों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जापान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, जिनका देहांत हो गया, और मौजूदा प्रधानमंत्री भारत के जो है नरेंद्र मोदी जी, ये दो ही लीडर थे जिन्होंने क्वाड की एक फॉर्मेशन को आगे बढ़ाया और उसके ऊपर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने बाद में मोहर लगाई और ये क्वाड नाम का ग्रुप बनकर खड़ा हो गया। और आज उन्होंने कहा कि क्वाड की जो लीडरशिप आपको दिखाई दे रही है, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बल्कि अलग अलग सेक्टरों के अंदर चार देश मिलकर कोऑपरेशन कर रहे हैं, ये कोऑपरेशन के लिए दुनिया को थैंक्स करना चाहिए भारत और जापान के प्रधानमंत्रियों को। खैर दोस्तों, आपका क्या कहना है इस डेवलपमेंट के बारे में कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, और इनका बयान आप सुन लीजिए। नीड टू अंडरस्टैंड जस्ट हाउ सिग्निफिकेंट द क्वाड इज। द क्वाड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड सिंस द फॉर्मेशन ऑफ नाटो। एंड द क्वाड इज ऑलमोस्ट यूनिकली अ प्रोडक्ट ऑफ शिंजो आबे'स लीडरशिप ऑफ जापान एंड नरेंद्र मोदी'स लीडरशिप ऑफ इंडिया। ओनली एन एशियन लीडर could have initiated the Quad in Shinzo Abe, and only Narendra Modi would have responded the way he did. So I think that the two fathers of the Quad are Abe and Modi, and I think the world should be immensely grateful to both of them.